बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपके इल्म में ला चुके हैं कि गुलशन रावी लाहौर की अहमदिया मस्जिद पर मुखालिफिन ने हल्ला बोल दिया था, और बजाय इसके कि पुलिस अहमदियों की दादरसी करती, पुलिस ने अहमदियों को गिरफ्तार करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ़्तार होने वालों में एक खातून और उनका 7 साल बच्चा भी शामिल था। खातून और उनके 7 साल बच्चे को पुलिस ने बादजां अपनी हिरासत से रिहा कर दिया था, लेकिन 7 अहमदियों के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम कर लिया गया। ये कोई अपनी नौईयत का वाहिद वाक़या नहीं है, बल्कि लाहौर के अहमदी आए रोज़ इन मुश्किलात का सामना हौसले और इस्तकामत के साथ कर रहे हैं। चलिए है रस्म के प्रोग्राम के साथ, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर महमूद, और मेरे साथ इन वाक़यात पर तजिया के लिए आज शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सलीमुद्दीन साहब जो नाज़िर मुरियामा हैं, और जनाब शमीम अहमद खालिद साहब जो ह्यूमन राइट्स सेक्शन के इंचार्ज हैं, और नाज़रीन लाहौर से हमारे हमें ज्वाइन करेंगे हुसैन नकी साहब जो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं और इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माहनामा जोद हक के मुदीर हैं। नाज़रीन, आप हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर, ईमेल और फेसबुक के ज़रिए, जिनके एड्रेस इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में जो तबसरे और आपका फ़ीडबैक हमें मौसूल हुआ है, इस वक्त आप उसे स्क्रीन पर देख सकेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम एक रिपोर्ट से, जिसमें हमने जायज़ा लिया है कि लाहौर के अहमदियों को इस वक्त क्या मुश्किलात दरपेश हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। जमात अहमदिया की तारीख में फिदायान लाहौर का नाम हमेशा सिद्क व वफा से रकम किया जाएगा। जमात अहमदिया लाहौर ने बानी सिलसिला अहमदिया के वक्त से अब तक इखलास के साथ राह ईमान में कदम आगे बढ़ाया है। दूसरी जानब दुश्मनान अहमदियत दीगर इलाकों की तरह लाहौर के अहमदियों को भी मश्क सितम का निशाना बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये आजमाइशें हर अहमदी का ईमान पुख्ता तर कर रही हैं। 28 मई 2010, एक ही दिन में 86 अहमदियों की शहादत कल की बात मालूम होती है। दुश्मन ने गुमान किया होगा कि वो अहमदियों को खौफजदा कर देगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। जबकि अपनी वाज़ह नाकामी के बाद मुखालिफीन अहमदियत बजाय इसके कि अपनी रविश से बाज आते, वो तासुब में अंधे होकर मुखालिफत में बढ़ते जा रहे हैं। जिंदा अहमदी तो एक तरफ, दुनिया से गुजर जाने वाले अहमदी भी इनके शर से महफूज नहीं रहे। 4 दिसंबर को मॉडल टाउन लाहौर के अहमदिया कब्रिस्तान में चंद अफराद ने दर्जनों कब्रों के कदबे तोड़ दिए। जमात अहमदिया की इबादतगाहों के हवाले से भी मुखालिफीन ने सरकारी इंतजामिया को तहरीरी इत्तलात दी, जिन पर बिला जवाज गैर कानूनी तौर पर इन शरपसंद अनासिर के आगे झुकते हुए पुलिस ने सुल्तानपुरा और गढ़ी शाहू में जमात अहमदिया की मसाजिद पर से कलिमा तैयबा और अल्लाह ताला के मुतबर्रक नाम शहीद कर दिए। मजहब के मुकद्दस नाम पर बिला जवाज दुश्मनी का यह सिलसिला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अहमदियों के घरों में गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती घुसकर इंतहा पसंद अनासिर कुरानी आयात उतार रहे हैं और मासूम और अमन पसंद अहमदियों को हरासा कर रहे हैं। सरकारी इंतजामिया अहमदियों को कानूनी तहफ्फुज़ देने की बजाय इंतहा पसंद अनासिर की खुशनूदी हासिल करने के लिए अहमदियों ही के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। लाहौर ही के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज से अहमदी तलबा को सिर्फ अहमदियत की बुनियाद पर निकाला जाना रोज का मामूल बनता जा रहा है। ब्लैक एरो प्रिंटिंग प्रेस और रोजनामा अल फजल के मुदीर समेत मुतअद्दद अफराद के खिलाफ दर्ज झूठे और बेबुनियाद मुकदमात इसी सिलसिले की कड़ी हैं। गुलशन रावी की मस्जिद पर मुखालिफीन का हल्ला बोलने के बाद अहमदियों ही के खिलाफ मुकदमात इस बात का वाज़े सबूत है कि मुखालिफीन अहमदिया दहशतगर्दी के जरिए अहमदियों को अपने ईमान से फेरने की कोशिश में सरगर्म अमल हैं। कानून का सहारा लेकर अमन पसंद अहमदियों को हरासा किया जा रहा है, जिसमें अब तक उन्हें नाकामी हुई है और आइंदा भी वो नामुराद रहेंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। सलीमुद्दीन साहब, रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा कि जो अहमदी हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं लाहौर में ख़ासतौर पे, लेकिन ये रिपोर्ट सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं कर सकती। आप हमें ज़रा तफसील से बताएं कि लाहौर में अहमदियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जमात अहमदिया लाहौर, जैसा कि आपकी रिपोर्ट से जाहिर है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से जमात मुखालिफ सरगर्मियों का निशाना बनी हुई है। 28 मई 2010 के सानेह लाहौर, जिसमें जमात अहमदिया लाहौर को 86 जान की कुर्बानियां पेश करने की सआदत मिली, उस दिन से लेके आज तक इन मुश्किलात में हर रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन बड़ी इस्तकामत के साथ, बड़े हौसले के साथ और अल्लाह ताला का फ़जल समझते हुए इन कुर्बानियों को पेश करने की सआदत जमात अहमदिया लाहौर हासिल कर रही है।
एक अजमाली खाका आपकी रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि क्या क्या मुश्किलात इस वक्त मज़हब के नाम पे जमात अहमदिया लाहौर को दरपेश हैं। शहादतों से ले के सोशल बाइकाट तक हर हरबा मुखालिफ इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ जान की कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आती है, या यूं कह लीजिए जहाँ मुखालिफ जान लेना चाहता है वहाँ जान पेश कर दी जाती है, जहाँ वो सोशल बाइकाट करता है वहाँ सोशल बाइकाट हो जाता है। तो वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और हर हरबे को जमात अहमदिया लाहौर और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अहमदी बड़े हौसले, इस्तकामत और ख़ुदा ताला की तायद के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर अहमदी लाहौर में एक मुलाजिम पेशा है तो उसको अपनी मुलाजमत की जगह पे मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे एक बैंक ऑफिसर थे, वो बैंक में जॉब करते थे, अलैहि सल्लल्लाह की अंगूठी उन्होंने पहनी हुई, उस पर मुकदमा कायम। कारोबारी हजरात पे बेतहाशा मुश्किलात हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों कुछ अरसा पहले शिजान के खिलाफ एक कंपेन चली थी, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट बार में लाहौर वो हाई कोर्ट बार काफी में भी बैन हुई, भी पूरे है। लाहौर में हुई। जी फिर पंफलेट में कारोबारी ठिकाने जो अहमदियों के हैं या जहाँ कारोबार होता है उनकी पूरी लिस्टें छाप दी जाती हैं, और पीछे एक रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट एक नशर की गई थी एक इदारे की तरफ से। तो उसमें वाज़े इन उलमा हज़रात ने कहा कि हाँ हम ये करते हैं, और इनको इनकी मसनूआत का इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा है, इसलिए हम आम मुसलमानों को इससे रोकते हैं। तो ये तो ओपन है बात कि कारोबार पे भी कदगने हैं, मुलाजमत पेशा अफराद को भी मुश्किल हैं, तलबा को स्कूलों से निकाल दिया जाता है, स्कूलों में जमात मुखालिफ लिटरेचर तकसीम किया जाता है, असातिज़ा को पढ़ाने में मुश्किलात हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बताया कि ये तो जिंदा लोगों की कहानियां हैं, मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। मॉडल टाउन के कब्रिस्तान वाला वाक्या सबके जी सामने बिल्कुल, है कि किस तरह रात की तारीकी में कितने लोग आए, ऐन हुकूमती आला जो सूबे का सबसे बड़ा इंतजामी अहदेदार है उसकी रिहाइश के करीब ही हमारा मॉडल टाउन का कब्रिस्तान है, और वो वहाँ 100 से ज़ायद कब्रों को, उनके कदमों को तोड़ के चले गए। तो हर हर हरबा, हर हर शोबा है ज़िंदगी पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों से बयूतु ज़िक्र से कलमों का मिटाना तो एक आम बात हो गई, घरों से तख्तियाँ उतार लेनी कि ये माशाल्लाह लिखा हुआ है आप नहीं लिख सकते, अल्लाह ताला के सिफाती नाम लिखे हुए हैं ये आप नहीं लिख सकते, कानून भी नहीं देखा जाता। अजीब बात यह है कि ये चीज़ें तो हर माशरे में बड़ी देर से हम फेस कर रहे हैं। सलीम साहब, ये तो इंतज़ामिया, सॉरी, मैं मैं ये आपसे जी जी जानना चाहूँगा कि ये तो आज़ादी इजहार जो है और मज़हबी आज़ादियाँ भी तो हासिल हैं आइन में, तो ये उसके भी तो है मुनाफी आइन, है। आइन की तो यहाँ कोई बात नहीं है। आइन तो मैं ये अर्ज करने लगा था कि ये कानून जो बनाए हुए हैं हमारे खिलाफ उसको भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट किए बगैर ये मुकदमात बना देते हैं। हम कानून का एहतराम करने वाली जमात, हमारी तालीम में ही कानून तोड़ना नहीं है, हम कानून की पाबंदी करते हैं। लेकिन अब अल्लाह का सिफाती नाम किसी के घर पे अगर लगा हो तो किस कानून के तहत जाते हैं और पुलिस वाले साथ जाके तोड़ देते हैं? होता यह है कि इस तरह के जरायम पेशा अफराद, इस तरह के मुखालिफ जिनके अपने कोई इंटरेस्ट होते हैं, वो तो हर माशरे में मौजूद हैं, हम बड़ी देर से उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन दुख तकलीफ और ये चीज़ बढ़ जाती है जब सरकार उसमें साथ शामिल हो जाए। एक मखसूस गिरोह है छोटा सा जो लाहौर में ये सारे वाकयात के पीछे है, पता है पुलिस को कि ये गिरोह है, फिर भी उनके हाथों कठपुतली बने हुए हैं। यानी क्या वाकया मतलब, होता है पुलिस साथ जाती है तख्ती उतार लेते हैं, वाकया होता है पुलिस साथ जाती है बैतुल जिक्र पे जाके धावा बोल और देते हैं। बिल्कुल वो गैर कानूनी तौर पे कर रहे हैं। सुनील साहब, हम माजर चाहेंगे कि आपको हमने डिस्टर्ब किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम कैप्टन साहब से पूछें। शमीम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो लाहौर में तेज़ी आई है इस सिलसिले में, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजूहात हैं? आमिर साहब, वजह तो वो ख़ुद बताते हैं, ये उनका मजहबी तासब है और वो बरमला इस बात का इज़हार करते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जमायत अहमदिया को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। वो इस तरह की बातें ओपन अपनी स्टेज पर करते हैं, तो हमारे लिए तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये
इनके तंजीमी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही इनका लाहे अमल है, तो ये वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों और कैसे करते हैं, मेरा जहन इस तरफ जाता है और तारीख इस पाकिस्तानी तारीख की शाहिद है कि ये जब इनको हुकूमत की तरफ से कुछ शह मिलती है या ये समझते हैं कि ये जो दिल चाहे वो कर सकते हैं तो ये करते हैं, लेकिन जब इनको पता हो कि हुकूमत जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर ये रुक जाते हैं। मसलन 9/11 के बाद की बात है, 2002 में जनरल मुशर्रफ, जो भी उसकी मजबूरी थी, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त फरवरी में 2002 में एक तकरीर की और गुस्से का इजहार किया और कहा कि मैं एक्शन लूँगा, और उसका ऐसा असर हुआ कि जनाब पहले 7 महीने कोई दहशतगर्दी का एक भी वाकया नहीं हुआ और किसी अहमदी के ख़िलाफ़ एक भी मुकदमा नहीं बना। तो जाहिर है कि ये लोग जो हैं, आपकी इस बात से तो लगता है कि अगर स्टेट चाहे तो मामलात किसी भी वक्त कंट्रोल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये और इसकी तरफ मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट, मुनीर कमीशन ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई थी जी। उन्होंने ये लिखा कि अगर ये मामलात जितने भी हैं जो फितना फसाद पैदा करने वाले हैं, इसको लॉ एंड आर्डर सिचुएशन के तौर पर हैंडल किया जाए, या जो कुछ हुआ था 53 में बहुत शदीद फसादात हुए थे, तो उन्होंने लिखा कि इसको एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन अगर हमारी जो, उन्होंने ये लिखा कि अगर हमारी जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये अपने आप को कहती हैं, उनकी ये अपनी मजबूरी समझते हैं कि हमने वोट लेने हैं और वो लोगों की तरफ देखते रहते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं और लॉ एंड आर्डर को मेंटेन नहीं रखते जो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यही हुआ, अब भी यही सूरत हाल है। अगर इन लोगों को ये पता लग जाए कि ये इनकी ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी तो ये बिल्कुल रोके जा सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रोके जा सकते हैं बिल्कुल, और ये बहरहाल ये चीज़ें रुकनी भी चाहिए। असलीम साहब, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो हैं वो पुलिस भी जो है वो मुखालिफिन के हाथों में खेल रही है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि महज़ माशरों में ये असूल होता है कि सरकारी इंतजामिया अगर किसी शहरी के हकूक सलब करती है तो जो जमहूरी निज़ाम है उसमें अदलिया को एक बालादस्ती है कि वो सरकारी इंतजामिया की जो नजायज़ कार्रवाइयाँ उन पर वो चेक रखे और आवाम को इस ज़िम्न में रिलीफ फ्राहम करें। ये फरमाइएगा कि क्या आला अदालतों की जानब से या मताहत अदालतों की जानब से अहमदियों को इस ज़िम्न में किसी किस्म की कोई रिलीफ मिली है? बात यह है कि अदलिया कहीं भी इंसाफ पे मामूर होती है कि उसका काम है कि वो इंसाफ करे। अब अदलिया भी इसी माशरे का हिस्सा है, इसी पाकिस्तान की ही अदलिया है। हमारे ये केस जो 7-8 के करीब केस इस वक्त लाहौर में गुज़श्ता कुछ अरसे में बेबुनियाद, नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पे बनाए गए, अब अलफजल की तकसीम और अलफजल जो लीगल है जिसका हमारे पास डिक्लेरेशन है उसकी इशात होती है, उसकी तकसीम है, तो वो 5-6 आदमियों पे उसमें दहशतगर्दी की दफा लगा दी गई, तो इन्हें कुरान की दफा लगा दी गई। ये तो खैर पुलिस का काम है। अब वो अदालतों में जब जाता है जमानत कोई नहीं लेता, जज भी प्रेशर में आए होते हैं। हमारी इसी अलफजल वाले केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एडिटर और पब्लिशर पे भी मुकदमा कायम है और उसमें दहशतगर्दी की दफा भी लगी हुई है, उसमें अभी हाई कोर्ट ने भी हमारे बंदों की जमानत कैंसिल कर दी। 2 स्टेप्स हैं इसमें, तो जो डिविजनल बेंच है उसका हाई कोर्ट का, उसने भी रिजेक्ट कर दिए बेल। तो बाज जजेस जो, जिस तरह शमीम साहब ने फरमाया कि अगर इंतजामिया चाहे तो वो रोक सकती है, एक जज ने, एक मैं इन्हीं केसेस में से एक जज की मैं बात करूं, उसने फैसला सुना दिया कि मैं जमानत लेता हूं जी, अभी लिखा नहीं था। और जो जाहिर है जज पहले जुबानी फैसला सुनाते हैं उसके बाद उसकी तहरीर बनती है जी, जब तहरीर आई तो उस वक्त फैसला वापस ले लिया और कहा जी कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उलमा हजरात का प्रेशर है, और ये उसने लिखा भी और ये रिपोर्ट हुआ पाकिस्तानी प्रेस में
कि ये हाई कोर्ट की तारीख में एक अजीब वाकया है कि जज एक फैसला अनाउंस कर चुका है कि बेल ग्रांट कर दी। ये वाकया मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुआ है, मैंने अर्ज किया ना पाकिस्तानी प्रेस में रिपोर्ट हुआ है ये वाकया जी। तो ये तो इनका हाल है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वालों को इंसाफ करने की तौफीक दे। लेकिन असल बात वही है जो हमारे प्यारे इमाम ने गुज़श्ता दिनों खुतबे में भी बयान फरमाई कि हमारा असल जो मलजा और मावा है, हमारी उम्मीद की जो जगह है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके आगे ही हमें झुकना है। बाकी इनसे किसी किस्म की तवक्को रखना, किसी शख्स से तवक्को रखना, वो बस है। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। शमीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि सरकारी इंतजामिया भी झुक जाती है, अदालतें भी साथ नहीं देती। अभी आपने पहले अब जब आप बता रहे थे हमें, तो आपने हुकूमत के पॉलिटिकल विल का भी जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकारी इंतजामिया क्यों जो है शट अप कॉल नहीं दे रही इन एक्सट्रीमिस्ट को, जो माशरे का जो अमन है वो बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त। वो इसलिए कि सरकारी इंतजामिया अपनी ड्यूटी ठीक तौर पर नहीं अदा कर रहे। मैं खुद सरकारी अफसर रहा हूँ और मुझे पता है कि प्रेशर वगैरह बाज़ुकात होते हैं, लेकिन अगर एक सरकारी अफसर पोजीशन अपनी ले ले इंसाफ पर मबनी, तो बिल्कुल उसी की चलेगी। अगर हुकाम हर वक्त ये देखेंगे कि मेरी प्रमोशन कैसे होनी है, कब होनी है, और वो अपनी वेलफेयर का आमा वक्त सोचते रहें, तो ज़ाहिर है कि फिर तो हुक्मरानों की बात जायज़ हो नाजायज़ हो वही चलती है। तो हुक्मरानों की जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हुकाम इस पोजीशन में होते हैं कि अगर वो इंसाफ की बात करें और इंसाफ पर कायम हो जाएं, तो मुझे यकीन है कि 80-90% केसेस में वो इंसाफ की बात कर सकते हैं। और लाहौर की बात हो रही थी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि लाहौर वालों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये एक मजहबी हिकमत की बात बताई जाती है, पूरे माशरे में यह है कि अल्लाह ताला कुफर को तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। लाहौर में जुल्म हो रहा है, लाहौर ही वो जगह है जहाँ पर 1953 में अजीम शान फसादात हुए जी, और पहला मार्शल ला लगा, मुल्क को अजीम नुकसान पहुंचा। लाहौर ही वो जगह है जहां पे जुमे की नमाज पढ़ने वाले 86 नमाजी शहीद किए गए और पुलिस बाहर खड़े इंतज़ार कर रही थी और उनको ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप इंटरवीन करें जब तक कि वो अंदर जो है वो अपनी सारी कार्रवाई ख़त्म नहीं कर चुके। लाहौर ही वो जगह है जहाँ पर 120 कब्रों को एक रात में ही उनकी बेहरमती गई। ये तो सरी जुल्म है और ये जारी है, मसादिक के साथ जो हाल हो रहा है। आप हैरान होंगे, मैंने ये जमा किए हैं आदाद शुमार, 125 से ज़ायद मसाजिद अहमदिया, उनको डैमेज किया गया है या उनकी बेहरमती की गई है या उनको सील कर दिया गया है अथॉरिटीज़ ने या उनको गैरमंदियों को उनके हवाले कर दिया गया है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये इस्लामी तारीख में शायद ही हुई, मुझे तो नज़र नहीं आती जी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि लाहौर से हुसैन नकी साहब हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं। नकी साहब, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, लाहौर में अहमदियों के खिलाफ इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उनका तस्करा सुना, आप किस नज़र से इन सारे मामलों को देखते हैं? लाहौर में तो जाहिर है कि वैसे तो 30-40 बरस से बल्कि 60 ही बरस से चल रहे हैं ऐसे मामलात, लेकिन यह है कि इस दौरान जब सारी दुनिया में जमहूरियत और इंसानी हकूक इन चीज़ों के ऊपर इनको इतनी अहमियत दी जाती हो और ख़ुद पाकिस्तान उन हकूक का, अब समझिए कि उसने पाकिस्तान ने तमाम जो बुनियादी चार्टर है उसको भी उसकी तौसीक कर दी है, इसके बावजूद ये जो चीज़ें हैं वो इस वास्ते भी नापसंदीदा हैं कि आप एक बैनुल अक्वामी माहदा करते हैं और माहदों के लिए अगर आप इस्लाम की बात करें, मैं तो रियासत की बात करता हूं लेकिन इस्लाम की बात करें तो उसमें बिल्कुल ही ये था कि आप किसी माहदे से ना फिरें, जब आपने एक बार माहदा किया है तो आप उसके ऊपर कायम रहें।
तो अब आपने अगर जब एक माहदा किया है तो आप उसके ऊपर कायम रहें, और जो हुकूक आपने तस्लीम किए हैं बहसियत इंसान के, वो सब आपको अहमदियों को भी उतने ही देने होंगे जितने किसी और को। क्योंकि अगर आप ये नहीं भी देंगे, ये हुकूक हैं भी इसीलिए कि अगर आप एक दूसरे के हक़ नहीं मानेंगे इंसान, तो फिर जाहिर है कि वो फसाद की सूरत पैदा होगी। और फसाद की सूरत, अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सरियत ने यह फसाद की सूरत पैदा की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही नापसंदीदा है, इंसानी हकूक की ख़िलाफ़ वर्जी है। पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें गालिबन आर्टिकल 20 में बाकायदा आपको ये ज़मानत दी गई है, हर मज़हब के मानने वाले को, हर फ़िरक़े के मानने वाले को ये हक़ दिया गया है कि वो अपनी ज़ाहिर के वो इख्तियार कर सकता है, वो उसको मुश्तहर भी कर सकता है। तो आप तो उनको अपनी इबादतगाह में इबादत करने से, यानी अक्सरियत का, मैं अक्सरियत को नहीं समझता, लेकिन ये कि अक्सरियत को उनका हाथ रोकना चाहिए और उनकी ज़बान भी रोकनी चाहिए कि जो लोग अक्सरियत के हवाले से ये कर रहे हैं। एक छोटा सा गरोह है जो बहुत ही मुतशद्दिद है, और उसका मैं समझता हूँ रोज़गार, रोटी रोज़गार जैसे इससे वाबस्ता हो कि वो इस किस्म की दहशतगर्दी फैलाए किसी भी दूसरे फ़िरक़े ख़िलाफ़, किसी भी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़। अहमदियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो ज़ाहिर है कि एक हर लिहाज से नापसंदीदा फेल है। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि एक छोटा सा इंतहा पसंद ग्रोह है, तो ये छोटा सा इंतहा पसंद ग्रोह किस तरह एक पीर तस्मापा बन के जो है सरकारी इंतज़ामिया की गर्दन पर सवार हो गया है, और लगता है ऐसे कि जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो बागें हैं वो इसके हाथ में, क्या फरमाइएगा? देखिए, एक तो ये कि अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का एक हलका भी उन अफराद के ऊपर मुश्तमिल है जो फ़िरक़े वारियत को एक तरीके से हवा देते हैं, और ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी होती है, पॉलिसी मेकिंग जो इदारा है पाकिस्तान के, जो हुक्मरान हैं और वह जमहूरी तौर पे मुंतखब, अब पिछले भी मुंतखब हुए थे और ये भी मुंतखब हुए हैं, तो उनको इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। क्योंकि हर शहरी के जान व माल, इज़्ज़त, उसकी आबरू और उसकी जो ह्यूमन डिग्निटी है, इंसानी शरफ जो है, उसकी तकरीम ये लाजिम है। और ये अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में अहमदियों के साथ ये रवैया नहीं है कि आप उनकी तकरीम करें बहसियत इंसान के, बहसियत आपके शहरी के, बहसियत आपके एक ज़ाहिर हम वतन होने के। नकी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा अलफजल के एडिटर अब्दुलसमी खान साहब। खान साहब, आपका शुक्रिया। ये फरमाइएगा, ये जो लाहौर में गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के कदीम तरीन अखबार रोज़नामा अलफजल पर मुकदमा हुआ, और मुकदमे में जो है दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गईं और तोहीन के जो इल्ज़ाम है उसके तहत जो है कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे आप इस पे? आपने छेड़ा है पाकिस्तान का आइन और अक़वामे मुत्तहिदा का चार्टर, हमें अपने मजहब का ऐलान करने, हमें अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है और अपने लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने की पूरी आज़ादी का ऐलान करता है। और अल्लाह ताला के फजल से हम आइन और कानून के तमाम दायरों के अंदर रहते हुए अपने लोगों तक अपनी जमात का पैगाम पहुँचाते हैं। अल फजल की हर पेशानी के ऊपर लिखा होता है कि ये सिर्फ अहमदी आबाद की तालीम तरबियत के लिए है। इसके बावजूद एक लंबे अरसे से अल फजल के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला शुरू है। इन्हीं दिनों में जिस लाहौर के मुकदमे का आपने जिक्र किया है उसमें कहा गया कि अल फजल दहशतगर्दी फैलाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ुबिल्लाह तौहीन करता है। ये दोनों नहायत ही झूठे और बोते और बेबुनियाद इल्जाम है। जमातिया की सृष्टि में दहशतगर्दी का कोई लफ्ज नहीं है, जैसे कहते हैं हमारी लुगत में कोई लफ्ज नहीं। और वही बात की ये इन दोनों को जोड़कर, दहशतगर्दी और तौहीन रसालत के इल्जाम को जोड़कर अल फजल पर पाबंदियां लगाने की कोशिश मुद्दतों से की जा रही है। और हम अपने उन जायज हुकूक से भी महरूम कर दिए गए हैं जो हमें पाकिस्तान का आइन और अक़वामे मुत्तहिदा का चार्टर देता है। आप अल फजल उठाकर देखें, जगह जगह बरकतें लगी होंगी, खाली जगह मौजूद होंगी, ये वो अल
دہشت گردی نہیں کرتے، ہمارے خلاف دہشت گردی کی جاتی۔ سلیم صاحب، پروگرام کے شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ احمدیوں کو دھمکی امیز خطوط بھی شاید کچھ آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے شہادت کا، اگر ہم چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اس پہ کچھ بتائیے گا۔ جی، ابھی چند روز پہلے 17 جون کا یہ واقعہ ہے، جب ہمارے ایک احمدی بھائی نوجوان جواد کریم صاحب کو گرین ٹاؤن میں ان کے گھر میں گھس کے تو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں لاہور میں جان کی قربانی سے لے کے نیچے ہر قسم کی قربانی دی جا رہی ہے، تو جان کی قربانیاں ایک تو 86 شہداء نے دیں، ڈچنا ٹاؤن لاہور میں جان کی قربانیاں ہوئیں، اور بھی جگہوں پہ ہوئیں۔ حال ہی میں 17 جون 2013 یہ، اس میں جواد کریم صاحب ہمارے گرین ٹاؤن میں رہائش تھی، نوجوان تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی کوئی دشمنی کسی سے نہیں تھی اور کوئی اور معاملہ بھی نہیں تھا، محض اس وجہ سے کہ وہ احمدی تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ شمیم صاحب، جیسا ابھی سلیم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ احمدیوں کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے، جان کا تحفظ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق میں سے آتا ہے، اور اس کی دستور میں بھی ضمانت دی گئی جان کی، تعلیم کی، مذہبی آزادیوں کی، اور پاکستان میں اس وقت احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ فرمائیے گا کہ ان دستوری حقوق کو کس طرح جو ہے احمدی کس حد تک پاکستان میں ان کو حاصل ہیں، اور کس حد تک ان کا تحفظ جو ہے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، یہ حکومت کی، عدلیہ کی، حکام کا یہ فرض ہے کہ یہ حقوق دیں، اور کیونکہ یہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، قوانین میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آئین میں جو آرٹیکل 8 ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جو بھی قانون بنے گا وہ وائڈ ہوگا، تو اس لحاظ سے تو یہ 298B اور 298C آرڈیننس 20 کے تحت جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ تو ایک سیٹنگ میں رد کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر آرٹیکل 20 کا ذکر حسین نقی صاحب نے کیا ہے، جس میں کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر ایک کو، ایوری سٹیزن ہیز دی رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز ریلیجن، ایوری سٹیزن، وچ انکلوڈز آف کورس احمدیز۔ اور اسی طرح انٹرنیشنل قوانین جو ہیں، جن کا بھی ذکر پہلے کیا گیا ہے، اب یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کا آرٹیکل 18 بالکل کلیئر ہے، اور پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اور صرف 2 سال قبل ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے، انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے اوپر حکومت نے سائن کیے ہیں، اس کو ریٹیفائی کیا ہے۔ تو اب یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان معاہدوں کو، جن کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرے۔ تو آئین بالکل کلیئر ہے اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس بالکل کلیئر ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک دی انٹائر سوسائٹی، پاکستانی سوسائٹی، انکلوڈنگ دی اسٹیٹ، دی گورنمنٹ، دی جوڈیشری، آل دی ایڈمنسٹریشن، دے آر آن ٹرائل ریئلی۔ ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں آخر پہ، کہ بعض دفعہ ہم سے بھی پوچھتے ہیں لوگ، اپنے احمدی بھی، دوسرے بھی بھائی، کہ آپ اپنی بات کرتے کیوں نہیں، اپنی بات ایوانوں تک پہنچاتے کیوں نہیں، انتظامیہ تک کیوں نہیں پہنچاتے۔ تو اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں لاہور میں اور ویسے پاکستان میں جماعت مخالفانہ، ہمارا یہ طریقہ کار ہے، گو کہ ہمارا اصل ملجا و ماوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جی بے شک، لیکن ان حکمرانوں تک یہ ساری کارستانیاں پہنچانے کے لیے ہم تحریراً بھی بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ ہم انتظامیہ سے ملتے بھی ہیں۔ لاہور کے ان واقعات پہ اور پولیس گردی کے ان واقعات پہ، ہم ہر پولیس گردی کے واقعے کے بعد پولیس انتظامیہ سے بھی ملے ہیں، ان کو تحریراً بھی دیا ہے، اس کے علاوہ ان کے دوسرے جو عہدیدار ہیں سول، ان تک بھی بات پہنچائی ہے اور مل کے پہنچائی ہے کہ آپ کی زیر نگرانی یا آپ کے، یوں کہہ لیجئے کہ زیر حکمرانی، یہ واقعات ہو رہے ہیں اور آپ کو اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور بالکل بلا جواز اور غیر قانونی طور پہ ہو رہے ہیں۔ جب گلشن راوی پہ انہوں نے ہلا بولا تو یہ ٹریس پاسنگ کا ایک مقدمہ تھا جو ان کے خلاف بننا چاہیے تھا، اور اس پہ ہم گئے بھی، ہم نے اپلیکیشن بھی دی،
लेकिन उसका कुछ नहीं बना, बल्कि उल्टा 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 हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो गया और उसमें दहशतगर्दी की दहशतगर्दी उन्होंने की, मुकदमा हम पे बन जी। हालांकि हमने उस ट्रेस पासिंग के खिलाफ उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी मूव की हुई जी, लेकिन उसका कुछ नहीं बना। तो कहने का मतलब ये है कि हम मिलते भी हैं देते भी हैं, क्योंकि आईन के मुताबिक हमारे राइट्स हैं, हम उनको हासिल भी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो हमें ये दें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई जी। नाज़रीन कराम, आपने हमारे मेहमानों की फ़िक्रंगेज़ गुफ्तगू सुनी। यकीनन पाकिस्तान में बसने वाले ना सिर्फ हर हमदी का बल्कि हर पाकिस्तानी का ये हक है कि दस्तूर पाकिस्तान में जिन बुनियादी इंसानी हकूक़ का जिक्र किया गया है वो उसे मिले, बिला इम्तियाज़ अकीदा, बिला इम्तियाज़ रंगो नसल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ताल्लुक किस इलाके से है, उसकी कौमियत क्या है, उसका रंग क्या है। ये हकूक़ हर पाकिस्तानी का नसीब हैं और हर पाकिस्तानी को मिलने चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सलीमुद्दीन साहब, शमीम अहमद साहब और लाहौर से हुसैन नकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।